हेलो गाइस, स्वागत है यार वापस से एक और नई वीडियो के अंदर। भाई आज वापस आए हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज कॉम्पिटिटिव खेलने वाला, लाइक कॉम्पिटिटिव तो नहीं होने वाला, कस्टम रूम होने वाले। कि कस्टम रूम के अंदर कैसी परफॉर्मेंस देता है और लास्ट सर्कल में भाई इसका क्या हाल होगा, और कुछ लड़ाइयाँ वड़ाइया हो रही होंगी तो भाई कितने FPS देगा। तो भाई हमने इसको कर लिया मॉन्स्टर मोड पे सेट भाई, क्योंकि हमें बिल्कुल मॉन्स्टर मोड और तबाही मचा देने वाले हैं। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर कर दिया ई स्पोर्ट्स मोड ऑन, जिससे कि भाई अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिले। तो ये होने वाला है 90 FPS टेस्ट विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और साथ ही साथ आपको पता नहीं है तो मेरा 8 GB वाला वेरियंट है, मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, तो भाई 8 GB वाला वेरियंट है मेरा, 128 वाला। और उसमें से भाई मेरी आधी से आपको पता है 118 GB स्टोरेज भरी रहती तो है। भाई ये 90 FPS स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ होने वाला है। और साथ ही साथ बता दूं भाई, देखो आप ना कुछ भी देखो, आप कितने भी FPS ड्रॉप देखो भाई, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ ना मुझे भाई, सच बताओ। का ये तो मुझे पता है भाई, हर फोन लैग होता है, मगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ भाई, इस मैच के दौरान वो बिल्कुल लैग देखने में। जब लास्ट सर्कल की आप लड़ाई देखोगे ना, जहाँ पे 62 FPS 65 FPS जा रहा होगा, वहाँ तक भी भाई अगर लैग हो रहा था ना भाई, मैं वैसे ही हक देता भाई। मुझे इतनी बिल्कुल, मैं बिल्कुल प्रो नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नूब हूँ, मगर भाई मेरे अच्छे खासे बिल्कुल लैग देखने मिल रहा था, छोटे छोटे से लैग देखने मिल जा रहे थे। वो भी भाई बिल्कुल आपको आंखों से भाई पता नहीं चलेगा, लाइक थोड़ा बहुत फील होंगे मगर आंखों से पता नहीं तो चलेगा। अब थोड़ा बहुत मैच देखो, फिर मैं आपको वापस से बताता हूँ भाई मेरा एक्सपीरियंस। Watch out! Watch out! Attack the mark! Attack the mark! Attack the mark! Attack the mark! Watch out! Watch out! उधर फाइट हो गई भाई। फर्स्ट एड है नौ हो जा, नौ हुआ। रुको नेट कर रहे जा, जाने मत देना। अरे ओपी बोलते अबे बंदा बंदा यार, टाइमनेस दिया था भाई अरे यार आ ही गए थे सर। अबे हाथ लगा दे, बहुत ज्यादा डर। अरे यार पसंद, तुम उधर कहाँ चले गए? अरे दिवाली का नंबर वन करके पीछे, तुम उधर पार्ट लेने चले गए। नेट आया, फॉल बैक टू सेफ जोन। तीन बंदे हैं इनके, उतार देगा। बच गए भाई पाव से।
ड्रॉप से भी है, शायद पे भी है। ये लेट के जाना आगे। तो उसके बाद भाई हमने एक मीरा मार ट्राई करने की ट्राई करी कि भाई 90 FPS पे कैसा लगा, कुछ ज़्यादा FPS ड्रॉप हो रहे हैं नहीं हो रहे। आपने नॉर्मल मैच में देख लिया होगा भाई, मेरे को तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई मेरे को ठीक ठाक लगा। मुझे भाई लैग बिल्कुल पता नहीं चला और भाई अभी 60 FPS का आपको एक्सपीरियंस दूंगा, मैंने उसमें भी काफ़ी सारे मैच खेले तो भी यार मैच देखो थोड़ा आपको डिस्टर्ब नहीं करने का। तो भाई यही था आज का वीडियो, मेरे को मैंने 90 FPS का मीरा मार खेला, मुझे उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आई थी, मैंने 90 FPS क्लासिक खेला। तो आप भाई आप जैसे आप फ्रेम ड्रॉप के हिसाब से भी आप मान लो हाँ भाई थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, वैसे एक्सपेक्ट आप कितना ही कर रहे हो 90 FPS आपने जो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ चल रहा था तो भाई लेके चल सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ऐसी परफॉर्मेंस देने वाला है। और 60 FPS की बात करें, मैंने 60 FPS कुछ बस अभी कुछ 15 से 20 मिनट पहले ही मैच खेले, पुराने वाले मैच नहीं थे, तो 15 से 20 मिनट पहले खेले कुछ भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके भी चल रहे हो ना 51 FPS सबसे कम लेके चल सकते हो आप कॉम्पिटेटिव के अंदर 60 FPS के अंदर। तो भाई 60 FPS के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अब ज़्यादा से आप लेके चलो 50, 51, 49 तक भी चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आपको लैग महसूस नहीं होने वाला 60 FPS। 60 FPS में आराम से खेल सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ बात करो, बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नहीं कर रहा। और भाई 90 FPS की बात करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ खेलो बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आपको सेम FPS देखने मिलना है भाई, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ही यही सेम FPS देखने मिलेगा बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी। और भाई इसकी चिंता मत देना कि इस 90 FPS में ये वो भाई बिल्कुल आपको ना लैग महसूस नहीं होता बिल्कुल भी, आप लास्ट जोन के अंदर भी जाएंगे आपको लैग महसूस नहीं हो रहा। अगर भाई किसी को हो रहा है तो आप 60 FPS पे स्विच कर सकते हो, भाई मुझे तो महसूस नहीं हो रहा था। और 60 FPS की परफॉर्मेंस भाई आप सबको पता है 60 FPS में क्या ही परफॉर्मेंस निकाल के देते हो, भाई उसकी भी चिंता मत लेना, जैसे मॉन्स्टर मोड ऑन कर लेना और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स मोड ऑन कर लेना, और कुछ आपको अल्ट्रा मोड की सेटिंग भी बता दूंगा भाई कल की वीडियो में, कल की नहीं भाई कल तो याली डलने वाली है, परसों की वीडियो में बता दूंगा कुछ सेटिंग जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रह सकती है, थोड़ा बहुत टच इशू जो होता है ना भाई वो भी आपको थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। और एक ऐप भी रिकमेंड कर दूंगा जिससे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, थोड़ा कम लैग होगा जैसे नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डर से, उससे आप ट्राई कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो भाई, क्या कर देना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ठीक बोला ना भाई, इस बार गलत नहीं बोला।